ब्राइट साइड एक ऐसा फेसलेस यूट्यूब चैनल जिसने एक पूरी कंपनी खड़ी कर दी, एक पूरा बिजनेस डेवलप कर दिया जो कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट करता है यूट्यूब से, और जहां पे जो कंटेंट बनता है इसमें कोई भी अपना फेस नहीं दिखाता। आज हम इसी कंपनी की जो बिजनेस स्ट्रैटेजीज हैं और जो यूट्यूब स्ट्रैटेजी है उसको ब्रेक डाउन करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इन स्ट्रैटेजीज को आप अपने खुद के फेसलेस यूट्यूब चैनल पर अप्लाई कर सकते हो और उसे ग्रो भी काफी अच्छे से कर सकते हो। स्ट्रेटेजी नंबर 1, एब्सर्ड एंड यूनिक आइडियाज। तो ब्राइट साइड के चैनल को अगर आप पूरी तरह से चेकआउट करोगे तो आप वहां पे पाओगे कि ये ऐसे आइडियाज पे कंटेंट बनाता है जो बहुत ज़्यादा एब्सर्ड है, यानी कि वियर्ड है या तो फिर यूनिक है। ऐसे आइडियाज पे बहुत कम कंटेंट बना हुआ है और एक चीज़ वो ध्यान में रखता है कि जो भी आइडियाज के बारे में वो कंटेंट क्रिएट कर रहा है वो मास अपीलिंग आइडियाज हो, यानी कि ऑडियंस का एक बहुत बड़ा सेक्शन हो जो इस चीज़ के बारे में क्यूरियस हो, तो उसके रिलेटेड वीडियोस यहाँ पे क्रिएट होते हैं और मैक्सिमम एक्सप्लेनर वीडियो टाइप कंटेंट होता है जो कि क्रिएट होता है ब्राइट साइड के ऊपर। तो आप भी ऐसे कुछ आइडियाज ढूंढ सकते हो जो कि यूनिक है, एब्सर्ड है और जिन आइडियाज की मास अपील है, यानी कि बहुत से लोग इन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए फैक्ट्स, तो इसके बारे में बहुत से लोग क्यूरियस हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 2 जो कि ब्राइट साइड ने इस्तेमाल की है अपने चैनल में वो है एनिमेशन। जी हाँ, उसने बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया था कि एनिमेशन एक ऐसी वीडियो कैटेगरी है जो कि बहुत ज़्यादा वायरल जाएगी, तो उन्होंने अपना जो एक्सप्लेनर कंटेंट है उसको एनिमेटेड स्टाइल में रिप्रेजेंट करना बहुत अर्ली ऑन स्टार्ट कर दिया था। तो अब जो यहाँ पे कंटेंट बन रहा है यूट्यूब के ऊपर उसमें एनिमेटेड कंटेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, एनिमेटेड एक्सप्लेनर वीडियोस की डिमांड बहुत ज़्यादा है। इंडिया में ऐसे बहुत कम हिंदी क्रिएटर्स हैं जो कि एनिमेटेड प्रॉपर कंटेंट दे पा रहे हैं या एनिमेटेड एक्सप्लेनर वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक मार्केट खाली पड़ा है जो कि पूरी तरह से पेनिट्रेट किया जा सकता है अपने एनिमेटेड स्किल्स को डेवलप करके, जो कि आप में से ज़्यादा लोग कर सकते हो और आपका जो करंट एग्जिस्टिंग यूट्यूब नीश है उसमें भी ये चीज़ एप्लीकेबल है। बस आपको ये फाइंड आउट करना है कि किस तरह से आप इसे अप्लाई कर सकते हो। स्ट्रैटेजी नंबर 3 वो है इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट एंड वॉइस ओवर। तो आप ब्राइट साइड के अगर कोई भी वीडियोस को चेकआउट करते हो तो उनकी जो स्क्रिप्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल होती है और किसी ऐसे बंदे ने लिखी है जिसने बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च किया होता है किसी टॉपिक के ऊपर, और साथ ही साथ ये लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि उनकी जो स्क्रिप्ट है उसमें थोड़े बहुत जोक्स या कुछ ना कुछ फनी एलिमेंट्स ऐड करते हैं जिनसे इनकी जो स्क्रिप्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है और जिसकी वजह से लोग ज़्यादा देर तक इनके वीडियोज़ को देखते हैं। और साथ ही साथ जो वॉइस ओवर दिया जाता है वो भी एक काफ़ी फ्रेंडली टोन में दिया जाता है इन वीडियोस के ऊपर, ताकि इन वीडियोस में बच्चों को भी टारगेट किया जा सके जो कि इन वीडियोस को देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है जिसका ये लोग इस्तेमाल करते हैं और इस स्ट्रैटेजी का यूज़ आप भी कर सकते हो। स्ट्रैटेजी नंबर 4 जो कि है सुपर कंसिस्टेंट अपलोडिंग और मास प्रोडक्शन ऑफ कंटेंट। जी हाँ, ब्राइट साइड एक पूरी कंपनी की तरह, एक पूरा बिजनेस की तरह सोचता है जिसकी वजह से उन्होंने पहले से ही टीम बिल्डिंग पे ध्यान दिया है और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कंटेंट बहुत जल्दी और बहुत कंसिस्टेंसी के साथ अपलोड कर पाते हैं अपने चैनल के ऊपर। तो यार ये एक ऐसी चीज़ है जो आप ऑन अर्ली ऑन स्टेजेस पे डिसाइड कर सकते हो कि आप एक ऐसा YouTube फेसलेस चैनल का बिजनेस बिल्डअप करना चाहते हो जिसमें आपको कंसिस्टेंट अपलोड्स की ज़रूरत हो, तो आप अर्ली ऑन से डिसाइड कर सकते हो कि क्या आप ये खुद से बनाओगे या आप इसके लिए टीम बिल्डिंग करना चाहोगे। तो ये चीज़ अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, टीम बना सकते हो, तो एज सून एज इस चीज़ पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो और एक टीम बिल्डिंग पे फोकस करो। इससे आप डबल डाउन कर सकते हो अपने कॉन्टेंट पे और आपकी जो ग्रोथ है उसके इंक्रीज होने का चांस बहुत ज़्यादा
बढ़ जाता है। तो ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा कमाल की है। और आखिरी सबसे इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है थंबनेल। इनके थंबनेल हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा एनिमेटेड एलिमेंट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा यूनिक एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं और इनका क्लिक थ्रू रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो इस चीज़ को भी आप देख सकते हो इनके चैनल पर जाके और इनके थंबनेल्स को एनालाइज कर सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा कमाल के हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब ये चीज़ भी आप में से ज़्यादा लोग अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बोनस स्ट्रेटजी, डोंट अप्रोच यूट्यूब एज अ हॉबी बट अप्रोच यूट्यूब एज अ बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे ब्राइट साइड ने भी यूट्यूब को एज अ बिजनेस अप्रोच किया जिसकी वजह से वो टीम बिल्डिंग कर पाए और अपने चैनल को इतनी ग्रोथ दिला पाए कि वो आज एक कंपनी कंसिडर किए जाते हैं जो कि एक बहुत ही कमाल की स्ट्रैटेजी है जिनका इन्होंने इस्तेमाल किया है। अगर आप एक फेसलेस यूट्यूब चैनल ओपन करना चाहते हो तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप इसे एज अ हॉबी ट्रीट करोगे या एज अ बिजनेस। तो ये था स्ट्रेटेजिक ब्रेकडाउन ऑफ ब्राइट साइड, फेसलेस यूट्यूब चैनल जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। और आप भी इन स्ट्रैटेजीज को अपने यूट्यूब चैनल पे अप्लाई कर सकते हो, फिर भले ही आपका यूट्यूब चैनल फेस वाला हो या फेसलेस हो। और भी ज़्यादा यूट्यूब के फेसलेस चैनल्स के रिलेटेड आइडियाज़ देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आई बटन पे कुछ वीडियोस है और एंड स्क्रीन पे कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगे।